गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप सो आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है एक नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारा दिन शुरू हो चुका है। लगभग 5 बजे माँ कॉल की और हम लोग फटाक से बोली नहा जाओ, नहा लो। हम लोग फट से नहा लिए हैं, देख रहे हैं बाल वगैरह सब जैसे तैसे हैं। तो चलिए पता चल जाएगा रास्ते में कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि आज का जो हमारा सफ़र है बहुत मतलब खूबसूरत सफ़र है, क्योंकि ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, लेकिन जो भी है आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए आपको रास्ते में पता चलेगा हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। जो भी एक ट्रैक है, एडवेंचरस एक्टिविटी है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए क्या क्या होता है आज देखिए, ब्लॉग पर काफ़ी मतलब मज़ा आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। इधर निशु भी रेडी हो रही है और उधर शशि भी रेडी हो गया है, बस हम लोग निकलने वाले हैं। आलोक आ रहा है तो उसको भी ले लेंगे साथ में, और जाएंगे पहले माँ के पास, फिर माँ को वहाँ रिसीव करेंगे, निकलेंगे फटाक से। चलिए तो ब्लॉक पे बने रहे, 1 घंटा पहले इसको कॉल किया और अभी पहुँच रहा है। चलिए गाड़ी भी रेडी है, निकलते हैं। सब हो गया है, निशु भी आ गई, शशि भी आ गया है, तो चलिए निकलते हैं और सफ़र का मजा लीजिए। अब सबसे पहले माँ को लेंगे घर से, ठीक है, घर से लेंगे अभी, उसके बाद निकलेंगे। चलिए चलते हैं। फिलहाल भी घर पहुंच गए हैं, ठीक है। माँ आ रही है, निशु गई बुलाने के लिए, बाहर दादी वेट कर रही थी हम लोग का। तो गाइस हम निकलते हैं, ठीक है। चलिए निकलते हैं, माँ भी आ गई, दादी भी जा रही साथ में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस तो बात कुछ ऐसा है कि मैं हूँ कोटमा जिले से, झारखंड के कोटमा जिले से, ठीक है। आप सबको पता है लगभग, तुम सबको पता है लगभग। तो हुआ यूँ कि मेरे गांव के जस्ट बगल में, मतलब थोड़े दूर लगभग 10-12 किलोमीटर बाद, एक भयानक जंगल है, बहुत घना जंगल है। उस घने जंगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, जहाँ मतलब पूजा किया जा रहा है, पुरखों से पूजा, लगभग 2-3 साल, 2.5 साल, 250 साल से पूजा किया जा रहा है। और लगभग वहाँ से पहले जो इंडिया था ना, वो 64 गढ़ में गढ़ बटा हुआ था, ठीक है, पूरा इंडिया 64 गढ़ में बटा हुआ था। और उस गढ़ में से एक हमारा जो यहाँ है, जहाँ हमारे गांव के आसपास है, एक गढ़ वहाँ हुआ करता था। तो राजा लोग वहाँ राज करते थे, बहुत पुराना बात है ये। और
वहीं राजाओं में से एक कुलदेवी का मंदिर है जो माता चंचलनी का है, तो हम वहीं अभी आए हुए हैं, तो चलिए दिखाएंगे आपको और ब्लॉग पे पूरा बने रहे। मैं एक से एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है यहाँ, कैसे है, पूजा वगैरह कैसे होता है, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहे, माता चंचलनी का आपको दर्शन भी करवाएंगे और एवरीथिंग जो भी ऊपर से जाने के बाद टॉप पे कैसा दिखता है वहाँ का व्यू, काफ़ी मतलब बहुत सौंदर्य जो भरापूर होता है ना हिंदी निकल रहा है जबान से, तो मतलब ऐसा जगह है ऊपर से देखने के बाद लगता है कि हाँ क्या कोई नज़ारा है, चारों तरफ से घना जंगल एकदम, जब 15-20 किलोमीटर आपको जहाँ तक देखेंगे आप घना जंगल दिखेगा और बीच में वैसा मतलब उतना बड़ा पहाड़ है, मंदिर है, लोगों काफ़ी आकर्षण लोगों है बीच में, लगभग डेली वहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है, लगभग 1000-2000 लोग डेली ही आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं मतलब श्रद्धा है वहाँ, लोगों का विश्वास है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या है वहाँ, कैसे पूजा वगैरह होता है एवरीथिंग, तो ब्लॉग पे बने रहे और इन्जॉय करो यार, मजे करो। देखिए ये जगह एकदम जंगल के बीचों बीच है और सामने पहाड़ है, बादल की वजह से नहीं दिख रहा है, सामने पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ चढ़ेंगे हम लोग और ऊपर ही सबसे ऊपर पूजा होता है ना, तो देखिए सब पूजा के लिए आई है, इधर गाड़ी लगा दी है, चलिए ऊपर चलेंगे कुछ देर में, ठीक है। पूजा के लिए सामान वगैरह, प्रसाद, नारियल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, दे रहे और यहाँ प्रसाद ले रही है, हाँ कितना हो गया, देखिए अभी प्रसाद वगैरह लिया जा रहा है, ठीक है, और सब हम लोग ले लिए अपना, और यहाँ देखिए मार्केट वगैरह काफ़ी मतलब अच्छा है, तो प्रसाद वगैरह जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाता है, एंड देखिए काफ़ी भीड़ है क्योंकि आखिर महीना चल रहा है, साढ़ क्या बोलते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है सब हिंदी में, फिर भी जो भी है लास्ट यहाँ पूजा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद सावन पड़ जाएगा, उस समय पूजा चलता है और देखिए कुछ नज़ारा है, हम जंगल के बीचों बीच से पहाड़ चढ़ने के बाद आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा मैं, और चलिए चलते हैं। जो भी था प्रसाद वगैरह हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, और अब चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, तो चलिए चलते हैं, मजा आएगा अभी पहाड़ पे चढ़ने में, लोग अभी हालत खराब होने लगा, स्टार्ट हुआ हालत खराब हो रहा है लोग, झुमा रहे सबको आप बजाइए मदद करते जाइए, आते हैं ऊपर से, बंद कर दिए, आते हैं ऊपर से, आते हैं बाबा जी झुमाए हुए सबको इधर अभी शुरू हुआ, चलो चलो पानी वाली ना मत लो, अभी गाय अभी फिलहाल आधा पहुंचे हैं, ठीक है, अभी आधा जाना बाकी है, चलिए देखते हैं, देखिए चलिए चलते हैं, हाँ
आज ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था, जिस वजह से मुझे यह वीडियो दो पार्ट में मुझे करना पड़ रहा है। लगभग आधा घंटा का वीडियो बन चुका था मैं, और मुझे पूरा दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आधा अधूरा आप देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस वजह से मुझे ये वीडियो हाफ हाफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो आप ज़रूर देखना, और जस्ट मैं तुरंत अपलोड करूँगा, लेकिन बस वीडियो लंबा हो रहा है जिस वजह से मैं इसके दो पार्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो होप सो आप ज़रूर सेकंड वीडियो देखोगे, सेकंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर उसे चेकआउट करना, एंड होप सो आप इन्जॉय कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मैं सब कुछ दिखा सकूँ क्लियरली, क्या है, कैसे मैंने इन्जॉय किया एवरीथिंग, एंड कैसे लोग इन्जॉय कर रहे हों। तो जो भी है, मैं जहाँ जहाँ मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं जा पाता हूँ, वहाँ मैं आपको भी घुमा पाऊँ। अगर भले ही आप वहाँ से आ नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आप देख सकते हैं, है ना। तो कोशिश करता हूँ मैं कि आपको नए नए जगह मैं दिखा सकूँ एक्सप्लोर करके, और भी हमारे जैसे बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ मैं जाते रहता हूँ और नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन बस आप मुझसे कनेक्टेड हो, और जो भी वीडियो आते हैं, जो भी ब्लॉग्स आते हैं, उसे आप ज़रूर देखो, एंड पूरा सपोर्ट करो मुझे भाई, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग स्टेज पर हूँ। अगर अभी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा, और कैसे मैं मोटिवेटेड रहूँगा ताकि और मैं दिखा सकूँ। तो होप सो जरूर देखोगे आप, और मतलब आपने अभी तक पूरा वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू गाइज, एंड पार्ट टू को जरूर देखना। लव यू।